हितियर ने जैनी और जेंगशी को किक लगा दी थी और कह रहा था कि अब उठ जाओ, मरनी की एक्टिंग मत करो। और जैनी यहाँ पे जेंगशी को कह रहा था कि सुनो, उठने के बाद सीधा भागने लगना। जेंगशी कहता है लेकिन क्यों? उठने के बाद जैनी ने हितियन का पैंट निकाल दिया। हितियन जोर से चिल्लाता है कि जैनी अब तो तू गया। और जैनी कहता है कि जेंगशी सी जल्दी भागो, और वो जेंगशी का हाथ पकड़ के भागने लगा। जेंगशी कहता है लेकिन इसे मेरा क्या लेना देना। मोगवान शन सैंडविच खा रहा था, तभी दो लड़कियां जेंगशी और जैनी भाग के आ रहे थे, उस ओर देख रही थी। मो को लगा कि वो मेरी ओर देख रही है, तो वो गुस्से से कहता है कि क्या देख रहे हो, और वो फिर से अपना सैंडविच खाने लगा। लेकिन जेंगशी और जैनी उससे ही टकरा गए और वो तीनों ही गिर पड़े। मो गुस्से से कहता है कि कौन है ये, किसकी मौत आई है। तभी उसने देखा कि हितियन उसके ऊपर ही जैनी का पैंट निकालने लगा, तो वो चिल्लाता है कि ये तुम क्या करे हो। और जैनी कहता है कि हे मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन हितियन ने जैनी का पैंट निकाल के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। वो तीनों ही हितियन की ओर देखने लगे कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा क्रूर है। फिर अगला सीन आता है, जेंगशी जैनी की ओर देख रहा था, तो जैनी पूछते है क्या हुआ। जेंगशी उसकी हेयर स्टाइल के बारे में कहता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। जैनी कहता है क्लासरूम में कुछ लड़कियों ने मेरी मदद की, ऐसा लग रहा था कि उनका बहुत मन था, तो फिर मैंने उसे करने दिया। ओ हाँ, जब तुम तुम्हारे बाल बांध के रखो तब तुम कैसे दिखते हो। जेंगशी अपने हाथ से अपने फेस को कवर करता है और कहता है कि इस तरह से मेरी ओर मत देखो। जैनी ने अपने दोनों आर्म्स उसके अराउंड कर दिए, तो जेंगशी पीछे हटने लगा कि हे जैनी ये तुम क्या कर रहे हो। जैनी कहता है देखो तो तुम कितने ज्यादा परेशान होने लगे, और वो जेंगशी के बालों को जैसे बांध रहा हो वैसे हाथ से पकड़ने लगा। जेंगशी उसे दूर करने लगा कि इडियट मेरे बाल खराब मत करो। और जैनी हंसते हुए कहता है देखो तुम बिल्कुल अपनी बहन जैसे दिख रहे हो। तभी एक बाल उड़ता हुआ आया जो जैनी के सर पे लग गया, इससे जैनी का सर जेंगशी के नाक पे लग गया। जैनी वो बॉल लेके एक लड़के को मारता है कि क्या तुम देख नहीं सकते। वो लड़का कहता है मैंने बॉल नहीं फेंका था। मोगवान शन उसे देखता है और सोचता है कि ये तो वही दोनों इडियट्स है। वो जाने लगा कि वो दोनों हमेशा ही मुसीबत पैदा करते हैं, तो उसे दूर रहने बेहतर रहेगा। तभी हितियन आके उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपने साथ ले जाने लगा। मो कहता है कि ये तुम क्या करे हो। हितियन उसे डिटेंशन बोर्ड के पास ले गया और कहा कि मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। वहाँ पे मो ने जितने भी रूल्स तोड़े थे वो सब लिखा था कि वो क्लास दौरान सनफ्लावर सीड्स खाता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, ग्लू से सनफ्लावर सीड्स के छिलके विंडो पे चिपकाता है, और उसने बहुत सारे पौधे डिस्ट्रॉय कर डाले हैं। हितियन वो बोर्ड दिखाते हुए मो से पूछता है कि ये पर्सन क्या तुम हो। मो कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। हितियन कहता है तो ये है तुम्हारा नाम मोगवान शान, और यहाँ पर ही कहानी में पहली बार मोगवान शान का नाम बताया गया। हितियन कहता है चलो मैं तुम्हें एक इंग्लिश नाम देता हूँ, डोंट क्लोज माउंटेन, मतलब कि पहाड़ बंद मत करना। मो कहता है क्या बकवास है। फिर अगला सीन आता है, सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे। थकने के बाद मो बैठकर पानी पी रहा था और देख रहा था कि हितियन के आसपास काफी सारी लड़कियां हैं और वो उसकी तारीफ कर रही थी। तभी हितियन ने मो की ओर देखा और वो उसके पास जाने लगा और पूछा कि तुम मेरी ओर क्यों देख रहे थे। मो कहता है कि इससे तुम्हें क्या। हितियन उसके हाथ से पानी की बोतल ले लेता है और कहता है कि हर बार यही मत कहो कि इससे तुम्हें क्या, कभी तो कुछ लॉजिक वाली बात किया करो, हर बार ऐसा मत दिखाओ कि तुम पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। और वो पानी पीने वाला था लेकिन मो उसे रोकता है कि मेरा पानी मत पियो। हितियन कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मो गुस्से से कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे मुझे क्या, बोतल के मुंह पे अपनी सलाइवा मत लगाना, मुझे ये बहुत ही डिसगस्टिंग लगता है। हितियन कहता है तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और वो शैतानी हंसी निकालते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा इमैच्योर कैसे हो सकते हो, अब ये मत बताना कि तुमने कभी किसी को किस ही नहीं किया। मो उसके हाथ से अपनी बोतल छीन लेता है और गुस्से से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। लेकिन हितियन उसके करीब आने लगा तो मो गुस्से से कहता है कि हे मुझे परेशान करना बंद करो। हितियन ने मो का फेस पकड़ा, अपनी टंग बाहर निकाली और उसे किस करने लगा। मो के हाथ से बोतल नीचे गिर गई और वो हितियन को गुस्सा लगाने चाहता है। हितियन उसे रोक तो लेता है लेकिन मो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। सभी लोग उसकी ओर ही देखने लगे कि लगता है कोई फाइट कर रहा है। मो हितियन को दूर करने की कोशिश में खुद ही नीचे गिर पड़ा। हितियन कहता है तुम सच में गुस्सा नहीं हो है ना, इतना भी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, एक किस से तुम मर नहीं जाओगे। मो उसके हाथ को दूर कर देता है और चिल्ला के कहता है कि मुझे छुओ मत, पावट कहीं के फूट लो यहाँ से, मुझसे दूर चले जाओ। और वो रो रहा था तो हितियन भी सीरियस हो गया और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी वजह से इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है।